और आपको बताएं, बलूचिस्तान में स्मार्ट लॉकडाउन तीसरे मरहले में दाखिल हो गया। शॉपिंग सेंटर और दुकानें हफ्ते में 6 दिन खुली रहेंगी, जुमे को छुट्टी होगी। एसओपीज की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं होगी, आवाम को सेहत की तमाम सहूलियात दे रहे हैं। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहमानी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सूबे में यौमिया 1200 टेस्ट किए जा रहे हैं, टेस्टिंग की सलाहियत में इजाफा किया जा रहा है, प्लाज्मा थेरेपी का भी आगाज किया जा चुका है। मुख्तलिफ ग्रेड के इसमें ऑफिसर्स भी हैं, मुख्तलिफ ग्रेड के हैं, और इसी तरह 23 अफराद जो है वो कोरोना के शिकार होने के बाद वो शहीद हुए हैं, जहांबक हुए हैं। इनमें जो डॉक्टर्स हैं 287 वो कोरोना से मुतासर हुए और 5 डॉक्टर्स जो है वो शहीद हुए। इसी तरह 69 पैरामेडिक्स वो मुतासर हुए कोरोना से, और 3 रिटायर्ड जो पैरामेडिक्स है, सिटिंग कोई नहीं था जॉब पे, लेकिन चूंकि हमारे भाई हैं वो सर्व कर रहे थे, रिटायर्ड थे, वो जो है शहीद हुए। इसी तरह 5 नर्सेज वो कोरोना का शिकार हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर कोई डेथ रिपोर्ट नहीं हुई। पुलिस के टोटल 111 ऑफिसर और दीगर एहलकार वो इससे मुतासर हुए, जिसमें से 2 DIG, 4 SP, 7 ASP, DSP, 40 जो है कॉन्स्टेबल व दीगर, इसके अलावा मुख्तलिफ जो स्ट्रेंथ है पुलिस डिपार्टमेंट का, जिसमें जूनियर कलर है, PN वगैरह, ये कुल मिला के 111 लोग इससे सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट में मुतासर हुए।